उपवन झील ठाणे में स्थित है, जो कि अपने सांस्कृतिक उत्सव के लिए भी माना जाता है। लगभग 50,000 लोग इस उत्सव का आनंद लेते हैं। ठाणे में पाई जाने वाली इन सभी झीलों में उपवन झील सबसे सुंदर है, जो कि पोखरण इलाके में बहती है। इसके चारों तरफ यऊर हिल्स है, जो मन को लुभा देने वाला नजारा देती है। उपवन को ठाणे का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है। यहाँ आपको हजारों गणपति मूर्तियों का विसर्जन भी देखने मिलता है। उपवन अपने रिक्रिएशन के लिए भी माना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उपवन झील की यात्रा करेंगे। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई नो आपने मेरा लुक तो पहले गेस किया होगा कि भाई आज क्या करके आए हम। तो हम कुछ लाइफ में कुछ अलग अलग ट्राई करते रहते हमेशा, तो यहाँ पे हम लोग ने नया लुक ट्राई किया है। तो गाइज आज हम लोग आए हैं एक अच्छे सिटी में, बोल सकते हो द सिटी ऑफ लेक, जिसे कहा जाता है दैट इज नन अदर देन ठाणे। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं उपवन लेक। तो बहुत दिनों से मुझे एक्सप्लोर करना था उपवन लेक, तो आज मेरे साथ है सेम। हेलो हेलो मैडम। ओके, तो आपको, आपने तो इनको देखा होगा हमारे ब्लॉग में कुछ अराउंड 11 मंथ्स बैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 फरवरी 2021 में आपने देखा होगा। सो यू नो हर वेरी मच वेल, शॉर्ट बोल सकते हैं क्लियो एंकर। तो गाइस चलो फिर अभी वीडियो की शुरुआत करेंगे, ब्लॉग की शुरुआत करेंगे, और इस प्लेस को हम लोग विजिट करने वाले, एक्सप्लोर करने वाले हैं वन बाय वन। तो गाइस लेक के बारे में जानेंगे। तो लेक अराउंड 1880s में बिल्ड किया था बाय ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे है बोटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइडेड है। इट्स सेम लाइक तलावपली जैसा ही है, लेकिन हाँ बहुत सर्कुलर मैनर में है लाइक तलावपली। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो प्लेसेस है आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक यहाँ पे फूड कैफेज़ वगैरह भी है। हम तो देखेंगे ब्लॉग में, लेकिन उसके लिए आपको ये ब्लॉग पूरा देखना है लास्ट तक। तो ये सब बड़ा पेवमेंट वॉक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, वॉक करने आ रहे हैं। और इस व्यू के बारे में क्या कहोगे, लेक साइड व्यू पे वॉकिंग करना किसको पसंद नहीं, जिमिंग करना किसको पसंद नहीं। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फैक्टर है कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो। तो इट इज़ अराउंड 5.5 to 6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम ठाणे स्टेशन वेस्ट। तो अगर आप आना चाह रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस है। तो अभी हम लोग मतलब बस का भी एक ऑप्शन है, अगर आप आना चाह रहे हो तो 20 rupees पर बस का है। तो आपको यहाँ पे गेट डाउन करना है, पायला देवी मंदिर का बस स्टॉप है। तो ऑटो से भी ऑटो से भी आ सकते हो। तो अराउंड ऑटो को आने के लिए 80 to 100 rupees आप काउंट कर सकते हो, और डिपेंड्स अपॉन द पीक आवर्स, अगर ट्रैफिक हो तो उससे भी ज़्यादा सकती 100 rupees है ना। और जो थर्ड ऑप्शन है तो आप अपने पर्सनल कार्स भी ड्राइव कर सकते हो। सो बेसिकली अगर आप पर्सनल कार्स ला रहे हो तो यहाँ पे कोई आई थिंक पार्किंग की भी फीस है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो यहाँ से हम लोग पूरा ऐसा गोल वॉक करके आ गए, और यहाँ पे हम लोग कोई नया प्लेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्लेस है नया नहीं है हमारे ब्लॉग में, और आपके लिए एक नई प्लेस है। अगर आपने एक प्लेस को विजिट नहीं किया होगा तो देख सकते हो आप कितने हम बहुत पास में है लेक के यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत अच्छा फोटो शूट हो सकता है, तो देख सकते हो। गाइज आप देख सकते हो इस लेक के बीच में मतलब सेंटर पॉइंट पे ना, यहाँ पे हमारे शंकर महादेव भगवान की मूर्ति है स्टैच्यू। तो वो तो उस साइड फेसिंग है, हम ट्राई करेंगे वहाँ पे जाके उसका रिकॉर्ड करने के लिए।
तो गाइस आप जो पीछे देख रहे हो ये जो हील्स है, तो ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, दिस होल ओपन लेक इज बिन कवर्ड बाय द येऊर हिल्स, तो पीछे आप जो देख रहे हो वो, और ये जो इसकी जो स्टार्टिंग है वहाँ पे हो रही है, तो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस पॉइंट। तो ऐसा पूरा सर्कुलर आप देख सकते हो, ऐसा सर्कुलर मैनर में है, तो अगर आप आ रहे हो तो इट्स बेटर यू कैन हैव अ गुड वॉक ओवर हियर। तो जैसे कि ज्वेल्स में भी अराउंड 2.6 किलोमीटर्स का वॉक है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो, इवनिंग अच्छी तरह से स्पेंड कर सकते हो विद पीसफुल नेचर। तो गाइस अभी हम लोग गए थे बोटिंग के यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाने पर पता चला, मैंने व्लॉग में कहा था भाई पहले कि 50 रुपीज़ पर पर्सन है, नहीं, लेकिन गाइस अपडेट हो चुका है, इट्स 75 रुपीज़ पर पर्सन। तो कुछ अराउंड 45 मिनट्स या 30 मिनट्स का आप यहाँ पे बोट राइड कर सकते हो। लेकिन इशू ये हुआ, हम लोग गए थे अभी, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको 45 मिनट्स वेटिंग करना है। सो 45 मिनट्स वेटिंग इज़ अ वेरी मच लॉन्ग टाइम, राइट? उतने टाइम में हम लोग कोई कुछ थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा के चले जा सकते हम आगे जो हमारा काम है। तो हम लोग ने वो आज के लिए तो स्किप किया, लेकिन कहीं कभी किसी और दिन आएंगे इस बोट राइड के लिए स्पेशल। तो तो गाइज़ वहाँ पे वो है फाउंटेन चालू, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा मतलब फैसिलिटी है। और बाय द वे वैसे तो कैफ़े बहुत यहाँ पे है, तो अभी हम लोग ने मंगाया है, क्या है ये मैडम? पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। कौन सा ये ना? दिस वन। अच्छा ये पनीर टिक्का पिज़्ज़ा है, और ये क्या है? मसाला चीज पाइस। आई थिंक आपने और कुछ तो मंगाया है, राइट? चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न किधर है वो? आ गए चिकन पॉपकॉर्न भी फाइनली। आप बोल रहे थे ना चिकन पॉपकॉर्न कैसा है, तो देख लो कैसा लग रहा है भाई। दवे यम्मी खाया किधर आपने? यम्मी बता रहे हो? दिखने में तो लग रहा है। यस, तो यहाँ पे इसलिए हमें सांता क्लॉस मिल गया है। क्या बात है, सांता क्लॉस क्या खाना चाहोगे आप? अभी बोलना नहीं, मैगी खा के आओ ब्लॉग में भी। नहीं मैंने आपको बोला था आपके भाई को भी लाना है, भाई को क्यों छोड़ दिया आपने? यू ही। अच्छा रूही के बारे में बहुत सुना था, कौन है रूही? तो यहाँ पे हमने दक्षता को बुला लिया है, क्यों भाई? क्योंकि मुझे ये देना था रितेश को, एंड प्रथमेश आया था ठाणे में, तो इसीलिए। आसान है रे नॉर्मली। तो वैसे भी हमारे ब्लॉग में आज प्रीतेश नहीं है, लेकिन प्रीतेश की एग्जिस्टेंस हमारे ब्लॉग में हमेशा होती है। तो ये जो है ये पिछले संडे प्रीतेश भूल के गया, तो दक्षता हमें यहाँ पे वापस लेके आई है। सो प्रीतेश इफ यू आर वॉचिंग प्लीज़ थैंक दक्षता लेटर। तो गाइस और एक बात पता नहीं रहेगी इस ब्लॉग में, क्या होता है टाइटल बोल लो ना आता। हाँ तो गाइस ओपन लेक में आने के लिए कोई आपको एंट्री फीस वगैरह नहीं पे करनी है, जो भी है फ्री ऑफ कॉस्ट में है, और यहाँ पे ऐसे कोई गेट्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एनी टाइम यू कैन कम ओवर हियर। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। तो बाय द वे आपने मुझे चार्जर दे दिया है प्रीतेश का, तो अभी पता नहीं मैं प्रीतेश को अभी मिलने वाला हूँ या कभी मिलने वाला, आई डोंट नो। तो आपको कैसा लगा हमारे ब्लॉग में बहुत दिनों बाद आके? यो आपको अच्छा लगा? आप मास्क पहन के क्यों बात कर रहे हो मैडम? अभी वो तो चले जाएगा, ये तो एक नॉर्मल होने वाला है, अभी इट्स गोइंग टू बी अ नॉर्मल डिजीज, सो यू डोंट नॉट टू वरी, बट
प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक प्रिकॉशंस। तो गाइस ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वैक्सीनेट योर सेल्फ विथ 2 वैक्सीन एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड टिल योर नेम बिकम्स योर ब्रांड एंड बाय बाय।